गेट एपिक शिट डन। ये मैं नहीं कह रही, ये बुक कह रही है ऑफ कोर्स, जो इस महीने की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड बुक है। क्यों? क्योंकि ये अंकुर वारिको की दूसरी बुक है। उनकी पहली बुक थी डू एपिक शिट, जो कई ज्यादा पॉपुलर हो गई। इतनी ज्यादा पॉपुलर कि उनकी पायरेटेड कॉपीज मिलने लग गई सड़क सड़क वाले बुक स्टॉल्स पे। और जब किसी बुक की पायरेटेड कॉपीज इतनी अच्छी मिलने लग जाती हैं, तो उसका मतलब यही है कि वो एक बेस्ट सेलर बुक है। अब अंकुर वारिको है कौन और क्यों वो ये किताबें लिख रहे हैं और क्यों उनकी किताबें बेस्ट सेलर बन रही हैं? इससे पहले कि मैं आपको इस बुक का रिव्यू दूं, ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं मुझे क्या लगता है इस बुक के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं अंकुर वारिको की हिस्ट्री। अंकुर वारिको बिजनेस ओनर हुआ करते थे, अभी भी एक बिजनेस ओनर है, उनका कंटेंट मार्केटिंग का बिजनेस है, बट पहले वो ग्रुपॉन और नियर बाय के सीईओ थे और नियर बाय उन्होंने को फाउंड भी किया था। उसके बाद उन्होंने 2-2.5 साल पहले अपना यूट्यूब जर्नी शुरू की और इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि वो जिस तरीके की और जिस तरीके से एडवाइस देते हैं पूरे इंडिया को बहुत अच्छी लगने लगी। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि लोगों को उन पे भरोसा होने लग गया, उनकी एडवाइस पे भरोसा होने लग गया, और अच्छी बात है, तभी उनकी बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई फर्स्ट वाली। वो भले ही अच्छे ऑथर हो या ना हो, ये ओपिनियन मैं बाद में बताऊंगी, वो एक चीज़ तो बहुत अच्छे हैं, वो मार्केटर बहुत अच्छे हैं, उनको समझता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बुक्स बेची कैसे जाती हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि लोग कन्विंस हो जाएं कि उन्हें खरीदने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं इस बुक की, गेट एपिक शिट डन। ऑब्वियसली बहुत कूल टाइटल है क्योंकि टाइटल में ही शिट है, बट जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ शिट टू डू, दैट्स व्हाट इट्स बेस्ड ऑन। ये बुक काफी सिंपल है और मुझे आज सुबह ही मिली ये बुक, अमेजोन से डिलीवर हुई आज सुबह ही, और मैंने पूरी पढ़ भी ली। 350 कुछ पेजेस हैं इसमें, वो पूरे पढ़ भी लिए। तो एक चीज अगर मेरा रिव्यू पॉजिटिव है इसके बारे में, तो वो बेस्ड है कि कितनी क्विक और इजी रीड है ये बुक। क्योंकि आज के ज़माने में जब हम इतने बिजी हैं, हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड बुक्स जो लोग लिखते हैं, उनकी पूरी बुक्स ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कूडोस टू अंकुर वारिको, उन्होंने बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशंस के साथ सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में ये बुक लिखी गई है ताकि हम सब समझ सकें, हम सब इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये बुक एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, एक डायलॉग फॉर्मेट में है, बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। अब मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट वो इंस्पायर हुए द करेज टू बी डिसलाइक्ड पढ़कर। मेरी तो फेवरेट बुक है वो 2022 की, और शायद उनकी भी है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बुक के बारे में बहुत बात की है। तो मुझे लगता है कि वो उसके फॉर्मेट से, क्योंकि उस फॉर्मेट में भी एक डायलॉग फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बात की गई है, लिखी गई है वो बुक भी, तो उसी तरह इंस्पायर होके उन्होंने ये बुक भी उसी फॉर्मेट में लिखी। और वो फॉर्मेट एक्चुअली वर्क करता है इस कॉन्टेंट के लिए, इस बुक के लिए, क्योंकि इस बुक में वो 36 चैप्टर्स हैं जो चीज़ें हम सबको रोज़ बॉदर करती हैं, रोज़ नहीं तो काफ़ी रेगुलरली 36 लाइफ सिनेरियोज़ है इसमें, जो हम सब, मेरे कोचिंग क्लाइंट्स भी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये क्वेश्चंस, आपस में पूछते हैं। अब वो क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे, मैं कंपैरिजन में कैसे ना फंसूं, मैं फोकस कैसे करूं, मैं टाइम मैनेज कैसे करूं, मैं अपना करियर आगे कैसे बढ़ाऊं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम सब सोचते हैं कभी ना कभी हमारी लाइफ में, स्पेशली लोग जो अपने टीनेज में या अपने ट्वेंटीज़ में हैं। तो मुझे लगता है इस बुक की टारगेट ऑडियंस ज़रूर वही लोग हैं जो अपने टीनेज या ट्वेंटीज़ में हैं, जो अपना करियर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करियर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बुक में डेफिनेटली वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे प्रैक्टिकल एडवाइस, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आप गेट गो से यूज़ कर सकते हैं, पढ़ें, यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। मुझे क्या लगता है इस बुक के बारे में, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या है, ऑनेस्टली बताओ तो इसमें
कुछ नया नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं सिखाया गया है जो किसी और बुक में आपको ना मिले या कोई कोच या मेंटर आपको ना बता पाए। इसमें सारी वही टेक्निक्स हैं जिनके बारे में सालों से बात की जा रही है। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक हो, फोकस की टेक्निक हो, या वर्क लाइफ बैलेंस की टेक्निक हो, वो सारी चीजें इसमें हैं जो पहले से बहुत लोग जानते हैं। लेकिन ये बुक उनके लिए बहुत अच्छी है जो दो चीज करना चाहते हैं। फर्स्ट, एक तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, और दूसरी उनके लिए जो अपनी आदतें बदल कर अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। जैसे जैसे वो अपनी आदतें बदलेंगे, जैसे जैसे वो अपना छोटे वन स्टेप एट अ टाइम लाइफ बदलेंगे, वैसे वैसे वो और सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आपको लगता है आप भी वो चाहते हैं, तो मैं ये डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, ये बुक आपके लिए है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस है इसमें जो काम आएगी आपको। मुझे पर्सनली कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि एज अ कोच मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स से शेयर करती हूँ, ऑलरेडी अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ एज अ बिजनेस ओनर एज वेल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मुझे बहुत पसंद आई, जो मुझे लगता है मेरे क्लाइंट्स को, मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को बहुत काम आएंगी। और इसका, इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, एक कोट इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने सेपरेटली अपनी स्वाइप फाइल में लिखा भी, और वो कोट है कि, हिंदी में बताती हूँ मैं आपको, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन वो कोट ये है कि हम अपने लाइफ में वाइजर या मोर सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ये सोचते हुए कि हम फुलिश लगेंगे, डम लगेंगे या स्टूपिड लगेंगे उन लोगों के सामने जिनका ओपिनियन हमें मैटर नहीं करना चाहिए। ये बात इज वन टेक अवे जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस बुक से। ये एक ऐसी चीज़ है जो सीरियसली अगर हम सोचें, आप फिर से देखें ये मैंने क्या बोला, और अगर रियली आप अपनी लाइफ में ये चेंज कर पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो पाएगी। आप वो सारे रिस्क और डिसीजंस ले पाएंगे जो अभी तक आप नहीं ले पाए हैं, इस डर में कि लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। तो ये था इस बुक का एक क्विक रिव्यू, क्योंकि आज ही मैंने पढ़ी, मुझे जल्दी से बताना था कि ये बुक कैसी है, आपके लिए अच्छी है या नहीं। तो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि हाँ, ये बुक अच्छी है अगर आपका बजट है। ये बुक मुझे कुछ 360 रुपये की पड़ी अमेज़ॉन पे, हो सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कम की हो या ज़्यादा की हो। अगर आपका बजट है ये बुक खरीदने का, तो ज़रूर लें और पढ़ें और समझें कि इसमें जो जो भी प्रैक्टिकल एडवाइस दी है वो आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो टू कंक्लूड, मैं यही कहूँगी कि अंकुर वारिकू को ये बहुत अच्छे से आता है कि एक बिजनेस कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, तभी वो ये दोनों बुक्स बेस्ट सेलर बना चुके हैं। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक इतनी आसान लिखी है कि कोई भी पढ़ सकता है, जल्दी हम पढ़ सकते हैं, महीनों नहीं लगाएंगे इसको ख़त्म करने में। और दूसरी चीज़, उन्हें पता है कि इसको मार्केट कैसे किया जाता है। आप उनके सोशल मीडिया, उनके यूट्यूब पर जाके देखेंगे, ब्रिलियंट मार्केटिंग। सो हैट्स ऑफ टू अंकुर, बिकॉज ही इज़ डन दैट फॉर श्योर। तो अगर आप उनसे सीखना चाहते हैं, तो गेट दिस बुक एंड आई होप यू लाइक इट।